हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। आज की हमारी मूवी द पेंटेड वैल, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर वॉल्टर और उसकी बीवी किटी को देखते हैं। ये दोनों हनीमून मनाने के लिए चाइना आए हुए हैं। अब मूवी में 2 साल के पीछे की कहानी दिखाते हैं, जो कि लंदन में होती है। किटी लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहती है। किटी को अपनी फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि किटी की माँ उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में किटी की मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर किटी को देखता है और देखते ही पसंद कर लेता है। वॉल्टर किटी को प्रपोज करते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो किटी भी ज्यादा देरी नहीं लगाती और उसने शादी के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से छुटकारा जो पाना था। फिर वॉल्टर और किटी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, वॉल्टर पेशे से एक डॉक्टर है। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए चाइना आते हैं। यहाँ पर आकर ये दोनों चाइना के लोगों से मिलते हैं। उन्हें वहाँ पर एक अपार्टमेंट मिलता है, लेकिन वह घर बहुत छोटा है। वॉल्टर ये रियलाइज करता है कि किटी इस छोटे घर में कैसे रहेगी, क्योंकि वे बड़े घर में रहती थी। वॉल्टर किटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे हर खुशी देना चाहता था, लेकिन किटी कुछ और ही मिजाज की होती है। उसे पार्टी में घूमना, लोगों से मिलना बहुत पसंद था और वॉल्टर को अकेला रहना पसंद था, क्योंकि वह अपने काम में बिजी रहता था और रिसर्च करता रहता था। वॉल्टर अपनी बीवी का मन बहलाने के लिए तरह तरह के गेम खेलता है, जैसे कि ताश, लेकिन वह देखता है कि किटी का इन सब चीज़ों में मन नहीं लग रहा। यहाँ पर किटी ये कहती है कि मेरी मुलाकात चार्ल्स और उसकी बीवी से हुई थी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आज शाम उनके यहाँ पार्टी है, तो किटी वहाँ पर जाना चाहती थी। यहाँ पर वॉल्टर कहता है, मुझे वह कपल पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए जाऊँगा। वे पार्टी में आते हैं और यहाँ पर चाइनीज परफॉर्मेंस चल रहा होता है, जो कि वे चारों लोग उसको देखते हैं। वॉल्टर परफॉर्मेंस को देखने में बिजी है और वहीं दूसरी ओर किटी चार्ल्स से दोस्ती बढ़ाते हुए दिखती है। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद वे अपने घर पर वापस लौटते हैं, लेकिन किटी को नींद नहीं आती, वे चार्ल्स के बारे में सोचती रहती है। कुछ समय बाद किटी और चार्ल्स एक दूसरे से मिलने लगे। वे एक दूसरे के साथ मिलते रहे और रोमांस करते रहे। चार्ल्स किटी को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किटी भी उसको पसंद करने लगी है। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इंटीमेट होते रहते हैं। एक दिन जब किटी फोन पर बात करती होती है, तब वॉल्टर उसे सुन लेता है और वे जान जाता है कि किटी उसको धोखा दे रही है। इसके बाद वॉल्टर किटी से कहता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम अपनी फैमिली से छुटकारा पाना चाहती थी। यहीं पर किटी कहती है कि मैं चार्ल्स को पसंद करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। वॉल्टर कहता है, तुम उसके साथ तभी रह सकती हो जब वह अपनी बीवी को छोड़ देगा। और वॉल्टर ये भी कहता है कि उसकी पोस्टिंग रिमोट इलाके में हुई है, अब हमें वहाँ जाना होगा और वहीं रहेंगे। किटी इन सब बातों से इनकार करती है और वह चार्ल्स के पास जाती है। किटी चार्ल्स को कहती है कि वह अपनी बीवी को छोड़ दे, लेकिन चार्ल्स कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, यानी कि वह दोनों को रखना चाहता है। किटी चार्ल्स से बहुत नाराज हो जाती है और वह समझ गई थी कि चार्ल्स उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसको अपनी हवस का शिकार बना रहा है। और वहीं दूसरी ओर वॉल्टर भी उससे नाराज है। अब ये दोनों उस इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। रास्ते में जाते हुए किटी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वे ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ और गांव का इलाका है। फाइनली अब वे पहुँच जाते हैं। ये चाइना का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर फैसिलिटी बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। किटी उस घर को देखती है जिसमें उनको रहना होता है। वे काफ़ी गंदा है और नाले के करीब है। किटी ये सब देखकर बहुत दुख हो जाती है, लेकिन क्या करें, उसे मजबूरन वहाँ पर रहना पड़ेगा। किटी की मुलाकात उसके नेबर से होती है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ ऑफिसर भेजे हैं, क्योंकि किटी और वॉल्टर आपस में बातें नहीं करते, लेकिन वह इन पुलिस ऑफिसर के साथ बातें करते रहते हैं। एक दिन वह उस गाँव में विजिट करती है। वहाँ पर देखती है कि काफ़ी अनाथ बच्चे उस गाँव में रहते हैं और वे स्कूल में रहते हैं, तो वह उस स्कूल में जाती है और वहाँ पर काम करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। वॉल्टर इन सभी लोगों की हेल्प करना चाहता है। वॉल्टर कभी कभी उस अनाथालय में जाते हैं और उन बच्चों की देखभाल करता है। किटी ये सब देखकर वॉल्टर के बारे में अपना नज़रिया बदल गई है। वह समझ गई थी कि वॉल्टर एक अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह किटी बच्चों की देखभाल कर रही थी, वॉल्टर ये देखकर सोचता है कि किटी इतनी भी बुरी लड़की नहीं है। इस तरह इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर वे दोबारा एक दूसरे के साथ रहने लगे और इन दोनों का रिश्ता पहले की तरह फिर से चलने लगा। अगले सीन में देखते हैं कि अचानक किटी को चक्कर आ जाते हैं और वे बेहोश होकर गिर जाती है।
पता चलता है कि किटी प्रेग्नेंट है। जब ये बात वॉल्टर को बताती है तो वो कहती है, मुझे पता नहीं ये बच्चा चार्ल्स का है या तुम्हारा। वॉल्टर कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसका है, इम्पोर्टेंट यह है कि तुम मेरे साथ हो। यह सुनकर किटी बहुत खुश हो जाती है। इधर इस महामारी ने पूरे गांव में अपना तहस नहस कर रखा था। वॉल्टर इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए गांव से दूर एक कैंप लगाता है। यहां पर उन लोगों का इलाज करता है और साफ पानी पहुंचाने के लिए उसने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके द्वारा यहाँ से काफ़ी दूर तक पानी पहुँचाया जा सकता है और दूसरे गाँव के लोग भी अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और वह उनका भी इलाज करता है। लेकिन बदकिस्मती से वॉल्टर इस महामारी का शिकार हो जाता है। अब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। किटी उसकी देखभाल कर रही होती है। आखिरकार वॉल्टर अपना दम तोड़ देता है और वह मर जाता है। किटी डिप्रेशन में आती है और उस देश को छोड़कर अपने घर वापस जाती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि किटी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और जिसका नाम वॉल्टर रखा था। वे काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन जब वे दोनों मार्केट से गुजर रहे होते हैं तब वहाँ पर उनकी मुलाकात चार्ल्स से होती है। चार्ल्स उस बच्चे से बातें करता है। उससे बातें करते हुए वे अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बच्चा मेरा है। चार्ल्स किटी से कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन किटी उसे साफ इनकार कर देती है। उसे पता था कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, वह सिर्फ मेरे जिस्म को चाहता है। और अब वह अपने बेटे वॉल्टर को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वॉल्टर अपनी माँ से पूछता है कि वह शख्स कौन था। किटी कहती है, वो कोई नहीं था, वो हमारी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं लगता। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलता हूँ एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।